लाइट को कैसे फिटिंग किया जाएगा आज किस वीडियो में आपको सारी जानकारी देने वाले, बस आप उस वीडियो कंप्लीट देखना है और समझना है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं हमें तो आप देख रहे हैं मिथिला इलेक्ट्रिशियन। सो गाइस, तो आज किस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले कि आपको फॉर सीलिंग में लाइट कैसे चेंज करना है। आज किस वीडियो में हम एक 7 इंच की लाइट को चेंज करने वाले हैं। एक नहीं बल्कि हमारे पास काफी ज्यादा लाइट है, हम लगभग 200 लाइट चेंज करेंगे। एक हमको ऑफिस का वर्क मिला है, आज हम वहां पर लाइट चेंज करने वाले हैं और आप लोगों को दिखाने वाले हैं कि आपको फॉर सीलिंग में लाइट कैसे चेंज करना है, जिसके माध्यम से आप लोग बिल्कुल आसानी से कहीं पर भी आप लोग अगर वायरिंग का काम करते हैं तो आप लोग बिल्कुल आसानी से लाइट को चेंज कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो प्लीज हमारे वीडियो को एंड तक देखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको ऐसे इलेक्ट्रिशियन वीडियो मिलते हैं। चलिए इस आज के वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारे पास पॉली कैप कंपनी की यहाँ पर लाइटें रखी हुई हैं। तो आज किस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला है कि आपको फॉर सीलिंग में लाइट कैसे चेंज करना है। एक ऑफिस में हमारा यहाँ पर वर्क चल रहा है जिसमें यहाँ पर 200 से 250 लाइटें चेंज होने वाली हैं, जो कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास कुछ इस प्रकार की लाइटें हैं, जो कि न्यू मॉडल वाली हमारी लाइटें हैं जो हमारे ऑफिस में लगी हुई हैं। वो काफ़ी ज़्यादा ओल्ड लाइटें हैं और काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी हैं, तो इसको हम चेंज करेंगे। और यहाँ पर पॉली कैप कंपनी की 15 वाट की यहाँ पर LED लाइट लगाएंगे, जो कि आप लोग देख सकते हैं ये 6.6 इंच की आती है, मतलब ये कंसील लाइट टाइप होती है, जो कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इसकी सारी डिटेल्स लिखी हुई है। और यहाँ पर इसका MRP भाई साहब काफ़ी ज़्यादा हाई लिखा हुआ है, तो आपको इस MRP पे नहीं लेना। अभी आपको बताएंगे आपको कितने प्राइस में लाइट मिलेगी। तो आप लोग देख सकते हैं, इसको हम सबसे पहले अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और आप लोग दिखाते हैं कि ये लाइट हमारी कैसी है। ये हमारे चौकोर लाइट है, इसको डिब्बे से बाहर निकाल लेते हैं और फिर इसको फिटिंग करके दिखाएंगे कि आपको कैसे फिटिंग करना है। और आप लोग बिल्कुल आसानी से फिटिंग कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं और आप लोग भी कहीं पर पैसे कमा सकते हैं अगर आपको कुछ इस प्रकार का काम आता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इसमें हमको मैनुअल कार्ड मिल जाता है, जो कि भाई साहब आप लोग देख सकते हैं एक हमको पेपर मिल जाता है और हमको इसमें अडाप्टर लगा हुआ मिल जाता है और इसमें हमको 2 वायर मिल जाते हैं, एक लाइन का और एक न्यूट्रल का। अब आप लोग चाहें तो अडाप्टर निकाल भी सकते हैं और यहाँ पर हमको अर्थिंग का भी वायर मिल जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ इस प्रकार की लाइट है, जो कि आप लोग देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा दिखने में सुंदर लग रही है। और ये पीछे वाला यहाँ पर मेटल का बना हुआ है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मजबूत हमारी लाइट है और दिखने में भाई साहब काफ़ी अच्छी है। और इसमें आपको 2 साल की वारंटी मिल जाएगी, ठीक है। तो इसको चेंज कहाँ करना, सबसे पहले वहाँ पर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे ऑफिस का केबिन बना हुआ है, जो कि आप लोग देखते हैं। इसमें भाई साहब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ओल्ड वाली लाइटें लगी हुई हैं। मैंने पहले साइफल टाइप आती थी जो कांच की बनती थी, उस टाइप के यहाँ पर लाइटें लगी हुई हैं। इसको भी खोल के दिखाते हैं भाई साहब कितनी ज़्यादा ख़राब लाइटें हैं और काफ़ी ज़्यादा ये वाट की। इसको निकालेंगे बाहर और हम अपनी न्यू वाली लाइट LED लाइट को फिट करेंगे और उसमें काफ़ी ज़्यादा रोशनी प्रकाश भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। तो पूरे ऑफिस में 200 से 300 लाइटें यहाँ पर लगी, हम सभी को चेंज करने वाले हैं। तो हम एक दो चेंज करके आपको बता देंगे, उसके बाद हम सारी लाइटें चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं, सबसे पहले आपको इसको क्या निकालना होगा, इसका जो कांच का हिस्सा होता है, जो आगे का ढक्कन होता है, वो निकालना होगा। उसके बाद आप लोग भाई साहब देख सकते हैं इसके अंदर कुछ इस प्रकार का लगा होता है और इसमें हमको 2 नट बोल्ट मिल जाते हैं, जिसके माध्यम से ये लाइट हमारी लगी हुई है, ठीक है। और बहुत सारे लोग क्या करेंगे, इसका शीशा नहीं खोलेंगे और ऐसे ही लाइट को खींचेंगे, जिसके कारण जो हमारी प्लाई होती है, जिससे जो हमारी फार सीलिंग होती है वो टूट जाती है, फिर लाइट निकालने में दिक्कत हो जाती है। तो आपको ऐसे लाइट निकालना है और आप लोग देखते हैं बिल्कुल आसानी से लाइट हमारी बाहर यहाँ पर निकल चुकी है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके वायर को यहाँ पर कटिंग कर देंगे, बस हमारी लाइट बिल्कुल आसानी से बाहर निकल चुकी है। अब हम इसमें न्यू लाइट फिटिंग करेंगे, ठीक है, जो कि आप लोग देखते हैं पॉली कैप कंपनी के, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया और अच्छे से सारी जानकारी इसमें दे दी, ठीक है। इसमें आपको 2 वायर मिल जाएंगे, एक अर्थिंग के वायर भी मिल जाएगा और इसमें इस लाइट में यहाँ पर 2 ही वायर दिए हुए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, लाइन न्यूट्रल में कनेक्ट कर देंगे, बस हमारा इसका कनेक्शन बिल्कुल आसानी से हो जाएगा, ठीक है। जिन लोगों को पता है तो वो लोग तो कर लेंगे, जिन लोगों को नहीं पता है तो वो लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि एक एक वायर हम जोड़ देंगे, एक वायर जोड़ेंगे लाइन में, एक वायर जोड़ेंगे न्यूट्रल में, या फिर आप लोग किसी में लाइन न्यूट्रल में जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं है। बस आपको जोड़ने के बाद अच्छे से टेपिंग कर देना है, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमने जोड़ दिया है। अब इसको अच्छे से टेप से चिपका देंगे, उसके बाद इस लाइट को अंदर करेंगे, ठीक है। बट इसमें भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, लोग यहाँ पर कनेक्शन तो कर लेते हैं बट लाइट नहीं फिटिंग कर पाते हैं। तो अभी हम आपको उसका भी रीज़न बताएंगे, कौन से रीज़न के कारण यहाँ पर लाइट फिटिंग नहीं होती है। तो यहाँ पर हम अच्छे से टेपिंग कर दिए, अब यहाँ पर लाइट आप लोग देखते हैं एकदम नंबर 1 तरीके से जल रही है, एकदम कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर अच्छा प्रकाश भी है, ठीक है।
अब हम इन दोनों लाइट के जो ऊपर स्टैंड लगे हुए हैं, सबसे पहले तो हम यहाँ पर साफ़ कर लेंगे जो यहाँ पर पीओपी पुट्टी लगी हुई है उसको साफ़ कर लेंगे, ताकि हमारी जो लाइट है एकदम अच्छे से बैठ जाए, एकदम अच्छे से सीलिंग में चिपक जाए, कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो वहाँ पर साफ़ कर लिए। उसके बाद अपनी लाइट के जो दो स्टैंड लगे होते हैं, जो पीछे स्प्रिंग लगी होती है, इसको उठाकर हम अंदर डालेंगे। उसके बाद देखेंगे हमारी लाइट फिटिंग होती है कि नहीं फिटिंग होती है। ठीक है, तो भाई साहब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है, और इसका होल छोटा था और हमारी लाइट हल्की सी बड़ी है, ज़्यादा नहीं बस हल्की सी बड़ी है, तो यहाँ पर दिक्कत हो रही है, तो इसको हमको होल बड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग आरी या ब्लेड की मदद से इसको थोड़ा सा होल बड़ा कर देंगे, ज़्यादा नहीं बड़ा करना है, बस हल्का सा यहाँ पर दिक्कत आ रही है, तो इसको थोड़ा हम इसको सही कर देंगे। उसके बाद हमारी यहाँ पर लाइट बिल्कुल आसानी से फिट हो जाएगी। ठीक है, तो हम इसको फटाफट से कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको हल्का सा यहाँ पर साफ़ कर लिया, आप लोग भी बिल्कुल आसानी से आरी ब्लेड के माध्यम से साफ़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको फिर से लाइट को बिठाना है, बस बिल्कुल आसानी से हमारी लाइट एकदम अच्छे से बैठ जाएगी, अच्छे से एकदम चिपक जाएगी, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आप लोग देख सकते यहाँ पर लाइट हमारी चल भी रही है, एकदम ऑन हो चुकी है, और आप लोग देख सकते कि यहाँ पर लाइट हमारी एकदम अच्छे से बैठ चुकी है और अच्छे से एकदम यहाँ पर चिपक चुकी है। ठीक है, इसको थोड़ा सा अगर अंदर नहीं जाएगी तो इसको अंदर की ओर थोड़ा यहाँ पर हल्का सा प्रेस करेंगे, बस हमारी लाइट बिल्कुल आसानी से बैठ जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार हमको दूसरी लाइट भी लगा देना है, इसी प्रकार तीसरी लगाना, जितनी लाइटें हैं हमको इसी प्रकार से लगाना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और अगर आपको कुछ इस प्रकार का काम मिलता है तो आपको इस काम का पैसा कितना लेना, ये भी हम आपको इस वीडियो में बता देते हैं, ताकि आप लोग के मन में कन्फ्यूजन ना हो कि एक लाइट फिटिंग करने का कितना पैसा मिलता है। अगर आपके वहाँ कोई ऐसा काम मिलता है तो आप लोग कितने पैसे ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपको 100-200 लाइटें लगाना है तो आप लोग 70 से 80 रुपये एक लाइट का फिटिंग का ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो यहाँ पर काम हो रहा है, यहाँ पर हमने 80 रुपये में ये काम लिया है, एक लाइट फिटिंग का 80 रुपये में लिया है, तो आप लोग ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर भी हमारी ये लाइट फिटिंग हो चुकी है। ऐसे ही आपको सारी लाइटों को एकदम अच्छे से फिटिंग करना, कोई दिक्कत नहीं है। हम सारी लाइटों को फिटिंग कर लेंगे, उसके बाद आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर कैसा दिख रहा है, और आप लोग भी ऐसे काम करके पैसे कमा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और आप लोग यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन बन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारी सारी लाइटें बिल्कुल आसानी से ऑन हो चुकी, कोई दिक्कत नहीं है। और भाई साहब अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए, अगर आपको और काम सीखना है, तो हमारे यूट्यूब चैनल पर सारे वीडियो अपलोड हैं, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सारे यहाँ पर सीलिंग में हमने लाइट को फिटिंग कर दिया है। ये बहुत ही बड़ा ऑफिस है, कम से कम 2-3 हज़ार स्क्वायर फीट का ऑफिस है, जिसमें टोटल लाइट चेंज करना था। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते सारी लाइटें बिल्कुल आसानी से जल रही हैं और एकदम अच्छे से यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अगर हमारी वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।